नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश याठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करने जा रहे हैं यहां पर एक बार फिर से हम कमोडिटी बाजार के बारे में जानेंगे कि सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रुपा मेहता की क्या राय रहेगी। रुपा जी, M6 कॉटन में हमने लोअर लेवल बाइंग निकलते देखी थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि जो फिर से M6 कॉटन के जो दाम है एक बार फिर से 45,000 के रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। रुपा जी, आपको क्या लगता है, क्या अभी भी कॉटन यहाँ से और नीचे लुढ़क सकती है? देखिए बिल्कुल, मैंने तो अखिलेश लगातार यही बताया कि कॉटन में प्रेशर है और कॉटन में दिवाली करके चले जब भी ऊपरी स्तरों पर था मार्केट, मैंने हमेशा ये बोला है कि इसमें कभी भी एक लंबी करेक्शन जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है और अभी मार्केट जो है वो करेक्शन में दिखाई दे रहा है और अभी यहाँ से कॉटन लगता है मुझे कि 40,000 तक नीचे लुढ़क सकता है और एक अच्छी करेक्शन अभी यहाँ से बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, बिनौला खल में क्या लगता है, क्या बिनौला खल में यहाँ से अभी कुछ तेजी बाकी है या फिर जो ये दायरा देखने को मिल रहा है यहीं पे कीमतें सिमट जाएंगी? देखिए बिनौला खल में तेजी नहीं है अखिलेश, इसमें भी ऊपरी स्तरों पर दबाव ही है और जो रेंज है वो भी अभी वही है, 2700 से लेकर 3000 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी है और आज भी हमने देखा कल की तेजी के बाद फिर से मार्केट करेक्शन में आता हुआ दिखाई दिया है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर 2700 का टारगेट जो है वो लेकर चला जा सकता है, अगर वो ब्रेक होता है तो 2600 से 2500 के भी स्तर हो सकता है आपको कॉटन ऑयल सिल्क केक में देखने को मिले। जी रूपा जी, मसालों के बाजार की बात करें तो मसालों का बाजार देख रहे हैं कि काफी ज्यादा सुस्त है, मसालों के बाजार में क्या लग रहा है आपको, आज इंट्राडे में मसाला कॉम्प्लेक्स कैसा कारोबार करता नजर आ सकता है? देखिए मसाला कॉम्प्लेक्स अभी थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है ये वाला मंथ, लेकिन प्रेशर भी इन द सेंस ये नहीं कि बहुत ज्यादा करेक्शन में रहेगा, मार्केट यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी इन्हीं लेवल्स के ऊपर आती हुई दिखाई दे सकती है और आगे चलकर इसमें रुझान तो अभी भी पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा करेक्शन वाली बात दिखाई नहीं देती। धनिया हो या फिर जीरा हो, एक हल्दी है जिसमें हम एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा बहुत करेक्शन बढ़ सकता है। देखिए आज भी हल्दी मेरे को लगता है कि 8,000 के नीचे लुढ़क चुकी है, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि 7800 तक नीचे जा सकती है, 7800 के आसपास एक बार हल्दी का सपोर्ट है, वहां तक नीचे मार्केट जा सकता है और वहां पर वापस से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी के लिए हल्दी में बिकवाली किया जा सकता है 7800 के आसपास या फिर वेट करें 7800 के आसपास के लिए बाइंग की पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, कैसे सीड में क्या लग रहा है, क्या कैसे सीड में यहां से अभी कुछ और तेजी बनेगी? देखिए कैसेट भी सुस्त हो चुका है अखिलेश, यहाँ पर अभी उठा तो है 7500 के ऊपर, अभी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से बाइंग अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर सस्टेन करता है 7500 के ऊपर, तब इसमें तेजी का एक अंदेशा है कि बन सकती है और 8000 तक जा सकता है और हमने कई बार देखा है कि ये 7500 के ऊपर रुका, लेकिन वहां से वापस से जब करेक्शन आती है तो फिर ये 200-300 पॉइंट की करेक्शन दे देता है, तो काफी रिस्की है, अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जी रूपा जी, तेल तिलन में क्या लगता है, क्या अभी तेल तिलन, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर बात करें सरसों और सोयाबीन की, तो क्या इनके तिलन में अभी कुछ तेजी बाकी है, क्या मार्केट में जो सप्लाई देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग कीमतों में तेजी आनी कुछ बन सकती है, क्या कुछ उम्मीद है? देखिए अभी तो फिलहाल उम्मीद नहीं लग रहा है, अभी लग रहा है कि खाद्य तेल सारे ही लुढ़कते हुए दिखाई दे सकते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, रिफाइंड सोया हो या फिर मस्टर्ड हो, उनमें अभी फिलहाल तेजी के ऊपर ब्रेक लगती हुई दिखाई दे रही है और अगर गिरावट नहीं भी आई तो मार्केट जो है इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी की तरफ अब जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी रूपा जी, नॉन एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज में आज अगर इंट्राडे की बात करें तो अखिलेश मुझे लगता है कि इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अभी फिलहाल किसी भी कमोडिटी में बाइंग नहीं लेना चाहिए, ना ही अभी आप सेलिंग में जा सकते हैं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी थोड़ा सा बनाकर चल सकते हैं, उसके अंदर आपके पास एक अच्छी कमोडिटी जो है वो मुझे लगता है कि हल्दी हो सकती है, आने वाले दिनों में हल्दी के अंदर निचले स्तरों पर बाय किया जा सकता है, हल्दी के साथ साथ धनिया और जीरा ये दोनों कमोडिटी ऐसी हैं जो मुझे काफी अच्छी लगती है, यहाँ से इनके अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज बुधवार के दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुला है, कैसा ट्रेड करता नजर आ सकता है और उस पर रुपये मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं भी क्लियर इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम से भी पर।